हमारे इस चैनल मिथिला जंक्शन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ऐसी भाई जी महारानी साहब इधर आओ। कहिए ये कौन है? ये पगला है। पगला है? हाँ। इसको सामने लाओ तो। ए भाई इधर सामने आइए। आपको मकान कहाँ पर रहा है? मेरी मकान से तुम्हें जरूरत क्या है? मुझे तो देख रही हो कि किस हालत में हम घूम रहे हैं। हाँ। जरूरत कोई नहीं है। आपको यहाँ नहीं है ना क्या? नहीं। ससुराल है? नहीं। तो फिर यहाँ तुम जब कुछ नहीं है तो यहाँ ऐसे कैसे है तुम? बहुत दुख की बात है। अच्छा ये सदा व्रत तुम ही बांट रही है? हाँ। अच्छा क्या दुख की बात है बताओ तो, मुझे भूख भी लगा हुआ है। बताओ भी लगा हुआ है। बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है। बताओ क्या दुख की है तुम, बात है तुम्हारा? नैहर मोरा ला गई पगलवा। क्या रोती भी है तुम? तिसीपुर बंगाल में नैहर मोरा ला गए मैं तिसीपुर बंगाल में माजो। ससुराल ला गया बाबोड़ा ससुराल और तुम्हारे ससुराल क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। नैहर तिसीपुर में है? हाँ। यही ना बताइए, ससुराल गाड़ी में ऐसा था? हाँ। मैसूर का नाम क्या बताइए? सुरमा सलेश। हाँ, सलेश जी है।
और देवर का नाम बुधेश्वर है। हाँ, ऐसा हुआ ना कि हमारे स्वामी जी गौना करा के माल में रख दिए और अपने भाग गए। कौन इधर क्या कहता है, कौन अखाड़ा है कि कहाँ। और तू इधर शादी कर लिया दूसरा से? नहीं, मैं शादी नहीं। तो फिर कैसे आई तुम यहाँ? यहाँ हमारे स्वामी जी जाते समय तेरा का लकीर अच्छा मार कर गए थे और वो कहे थे कि महारानी कोई भी बिच्छू भिखारा आवे तो ये लकीर को अंदर से ही भिक्षा देना। तो फिर अंदर से तुम्हें कैसे आई तुम? एक बाबा आए और ये बाबा बोले कि बच्ची बाना हुआ भिक्षा मैं नहीं लेता हूँ। वो बाबा कौन था, कैसे बाबा था वो? उस समय तो मैं नहीं जान रही थी। अच्छा तो बोल, फिर बोलो। उसके बाद में वे लकीर के बाहर जाकर भिक्षा देने लगी ना, और उस समय मैं नहीं जानती थी कि ये राजा है। इसका नाम जो है ना, जो हमको लाया है उसका नाम है जादो सिंह। जादो सिंह? हाँ। लाने के बाद कहा कि महारानी तुम हमारे साथ शादी कर लो। मैं कह कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर वो बोले कि तुम शादी नहीं करोगी तो तुमको मैं जान मार दूंगा। तुमसे बोला और क्या। मैं कह कि ठीक है, अगर शादी नहीं करती हूँ तो ये तो जान से हमको मारिए देगा, और शादी कर लेती हूँ तब वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं 12 बरस सादा व्रत बांट रही हूँ। ऐसा आप कीजिए, अगर हमारे भैंसुर जी को या देवर को या हमारे स्वामी जी को अगर आप पहचानते होंगे तो आप थोड़ा सा मेहरबानी करके आप जाकर खबर भेज दीजिए ताकि हम छूट जाए। हमारा सब पागल बाबा मोतीराम तोरा दुलारुआ लागे। जैसे हम पागल हैं ना उस तरीके से वो भी बेचारे हैं, भटक रहे हैं गाड़ी में। सोता पागल हो गए हैं। अब तुम्हारे लिए पागल हो गए हो। जाइए ना जल्दी से, खबर दीजिए ना थोड़ा। पागला ये बल का घूमया ए देश देश में जाई छो यही रानी। सत के आई पीरो रे हैरानी
आंसू बहाने कोई जरूरत नहीं महारानी, तुम्हारे कारण हमने बहुत कितना देख रही हूँ मेरे शरीर की हालत क्या हो गया महाराज। इसलिए मैं पहले समझाई हुई थी आपको कि महाराज हमें चोर के आप कहीं नहीं जाइए। ये सब हमसे भूल हो गया था, ये मुझे पछताना पड़ा है ना। कीजिए ना, यही से हम दोनों आदमी भाग चले। नहीं नहीं तो ये पापी राजा कुछ देर में आ जाएगा। आ जाएगा, तुम्हें नहीं मालूम है महारानी, ये सात हाथी बल है मोतीराम के, और सामने हमें सामने तुम्हें उठाकर कोई ले जाने वाला था, और उठा लेता आंख लड़ा लेगा हमसे, और जिसको बदौलत भी वो बोलता भी होगा उसमें बचने नहीं दूंगा। यहाँ भी तुम यही रहो, उसी देर में आएगा और तुम शादी के लिए स्वीकार कर लो। ये ठीक है राजा, अपने सामान जुटाओ और शादी करो, मैं बर्बाद कर दूंगा। नहीं मैं रानी जो बैठा था वही बात मानो और फालतू नहीं उसको साथी आप संग्राम कर। मैं यही रहूंगा, और कह दो एक पागल तुमको मुलाकात करने के लिए बुलाया, आ जाएगा ना उसे। हाँ। हमें पास दे उसको, तो सुनिए ना उसका सिपाही जो है ना इसी जगह है, बुलवाओ उसको। कहिए महारानी साहब। हेलो, क्या बात है? तुम कौन है, कहाँ गिराने वाला है? हम यार, तुम्हारा मालिक कहाँ है? जादव सिंह महाराज का सिपाही है। उसी का सिपाही है तू? ये हथौड़ा देखता किधर, 12% का हथौड़ा है। तुम जाओ और कह दो उससे जादव सिंह के जो कोई पगला आया है तुम्हारे राज में, अच्छा तुम्हें बुला रहे हैं और तुमसे मुलाकात करने चाहता है। ये क्या चीज है, दुखरन है? ये दुखरन है, इतनी निखरन है ये। अच्छा आ जाओ तुम। ठीक है। रहो, क्या बात है? सदावरत पूरा बटा गया हुजूर। सदावरत पूरा बटा गया जी। तब तो महारानी शादी करेगी? हाँ एकदम तैयारी है। तैयारी है जी। ठीक है चलो चलिए। महारानी अब तो 12 वर्ष बीत गया। हाँ। एक ही रोज बाकी है। हाँ एक रोज है बाकी। तो शादी करने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप शादी का सामान जो होता है उसको आप जुटाइए, उसके बाद शादी हो जाएगा। शादी का सब सामान जुटाओ। एकदम सामान लिखा रहे हैं हुजूर जी। लिखाइए लिखाइए, आप लिखाइए ना। हाँ हम लिखा लेते हैं हुजूर। कहो। पहला लगेगा एक खुरपी एक कोदारी। हर बेहुदा तो मरने में लगता है। अरे बेहुदा हुजूर, मटकोर खनाने में। मटकोर के लिए जी। आगे बताओ। एक वो कांच बांस लगेगा। कांच बांस जी। वो क्या होगा? मरवा छवाने के लिए। और बताओ। पुरना खोर। है बेहुदा तो मरने में लगता है जी। मूंछ के रसरी। फिर वो क्या होगा? बंधन बनाएगा हुजूर। और बताओ। और एक हरिया एक घैला। और बताओ। एक ढकना। पांच वो कौड़ी। ए बेहुदा क्या हुआ कौड़ी? वो जो 25 खेलिएगा कोहबर में। महारानी से 25 खेलने के जी। लिए। और बताओ। पांच गज मार्किन के कपड़ा। बेहुदा क्या हुआ तो मरने में लगता है। हुजूर कपर कोट घेरागा। कपर कोट के लिए जी। और बताओ। 10 बोझा गोरहा। फिर बेहुदा गोरहा तो मरने में लगता है बेहुदा। हुजूर भोज बनेगा। भोज के लिए जी। और बताओ। तिल जौ मध मखान। तिल जाओ मध मखान। क्या होगा? प्रसादी बनेगा, उसमें होम होगा। होम के लिए जी। हो गया।